हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रॉपर पीसीएस वाला यहाँ पर फॉर्म रिलीज कर दिया है। बात करते हैं उत्तराखंड पीसीएस वाला जो एग्ज़ाम है वो 3 अप्रैल में होने वाला है, यानी 3 अप्रैल में ये होने वाला है। इसके जो एडमिट कार्ड हैं वो भी रिलीज़ कर दिए गए हैं, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल साइट से। बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो फॉर्म रिलीज किए हैं पीसीएस के, इसके आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है वो यहाँ पर 16 मार्च, यानी 16 मार्च से आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। और परीक्षा जो शुल्क है अंतिम तिथि यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो 12/4/2022 तक आप इसको यहाँ पर फिल कर सकते हैं इसकी जो शुल्क है। और फिर जो सबमिट करने की जो डेट है वो है यहाँ पर 16/4/2022 तक आप इसको फुली सबमिशन कर सकते हैं। तो ये तो था यहाँ पर पूरा सिनेरियो की लास्ट डेट और क्या है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अब बात करते हैं कौन कौन सी पोस्टें यहाँ पर निकाली गई हैं। तो पोस्टें हैं यहाँ पर और क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर रहने वाली है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उप निबंधक सहायक अभियोजन अधिकारी की, जिसमें जो है आपको लॉ से आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिर हमारे पास जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए आपको यहाँ पर पीजी मांगा गया है। फिर हमारे पास जिला लेखा परीक्षा अधिकारी और यहाँ पर मांगा गया है कॉमर्स, आपको ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। तो ये पूरा क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है क्वालिफिकेशन का, जो अलग अलग पोस्टें यहाँ पर निकली गई हैं। आप इसको चेक कर सकते हैं कि आप जो है किस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं और किस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है। थोड़ा बहुत यहाँ पर जो क्राइटेरिया रखा है वो शारीरिक माप को भी लेकर है। कुछ पोस्टें यहाँ पर निकाली गई हैं, जैसे जिला उपाधीक्षक पद के लिए, डीएसपी पद के लिए यह होने वाली है जो ये वाले पोस्टें हैं। इसके लिए आपकी कुछ ऊंचाई मांगी गई है 165 सेंटीमीटर जनरल और ओबीसी के लिए। और यहाँ पर सीने की माप यानी जो आपकी चेस्ट है उसकी भी यहाँ पर मांगी गई है 84, और फुलाने के बाद आपको 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर फुलाव मांगा गया है 89, यहाँ पर आपकी ऊंचाई है। तो ये आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पर पूरा क्राइटेरिया है, इसको आप देख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जिला कमांडेंट होमगार्ड पद के लिए भी कुछ क्राइटेरिया रखा गया है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। तो ये पूरा क्राइटेरिया आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर, अलग अलग विभागों में अलग अलग पोस्टें यहाँ पर निकाली गई हैं। तो ये तो बहुत सिंपल सा जो होने वाला है, आपको जनरली हर एग्ज़ाम में ये जो बातें लिखी गई हैं ये होती हैं। ये पूरा इन्होंने यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया गया है कि कैसे कैसे आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, सेगमेंट दिए गए हैं कैंडिडेट के लिए, आप इस चीज़ को फॉलो करके अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सिलेबस के बारे में और कौन कौन से यहाँ पर ऑप्शनल विषय रखे गए हैं। तो सीधे हम चलते हैं अब प्रारंभिक परीक्षा जो होने वाली है उसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो सिलेबस लिखा गया है वो काफ़ी सामान्य तरीके से है जो हर एग्ज़ाम में यहाँ पर पूछा जाता है। इसका थोड़ा लेवल अलग होता है हर एक एग्ज़ाम से, तो बात करते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो करंट की जो घटनाएं हैं उनका सिलेबस पहला ही यहाँ पर दिया गया है। फिर इंडियन हिस्ट्री है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ पर है। भारत और विश्व का भूगोल है, इंडियन पॉलिटी है और यहाँ पर गवर्नेंस का जो पोर्शन है वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, पूरा सिलेबस हमने यहाँ पर दे दिया है, इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन सा जो है ऑप्शनल के बारे में, कौन कौन सा ऑप्शनल आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो बात करते हैं ऑप्शनल के बारे में, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 29 ऑप्शनल आपको दिए गए हैं। आप उनमें से कोई सा भी एक अपना ऑप्शनल चूज कर सकते हैं मेंस के एग्ज़ाम में, जब आपका प्री होगा और प्री में सिलेक्शन के बाद आपका उसके बाद मेंस होगा तो आप यहाँ पर अपने ऑप्शनल जो है सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कृषि, प्राणी विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, मैथ, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, तो अलग अलग यहाँ पर जो है ऑप्शनल दिए गए हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो आप इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप ये फॉर्म जो है जल्दी फिल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।